हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेक्स किचन। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मेरी आज की रेसिपी है चीकू चॉकलेट शेक विद वनीला आइसक्रीम। ये शेक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 3 चीकू लिए हैं जिनको मैंने छीलकर उनके बीज निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 चम्मच चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 बड़ा कप मैंने ठंडा दूध लिया है। 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने चॉकलेट सिरप लिया है। इसके अलावा हमें 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम का चाहिए। मैं यहाँ पर उसको नहीं दिखा रही क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए शेक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें चीकू, चीनी और बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। चीकू को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसमें दूध और आइसक्रीम डाल दूंगी। पर इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आइसक्रीम और दूध अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। अब लास्ट में इसमें मैं 1 चम्मच चॉकलेट सिरप डाल दूँगी और इसको भी ब्लेंड कर दूँगी। हमारा शेक बनके तैयार हो गया है। अब इसको ग्लास में पोर कर लेते हैं। ग्लास में मैंने थोड़ी सी चॉकलेट सॉस लगा के इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया है। अब इसमें शेक को पोर कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम का 1 स्कूप भी रख सकते हैं। इसके ऊपर अब मैं थोड़ी सी चॉकलेट सॉस ड्रिजर कर दूंगी। हमारा चॉकलेट शेक बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी चॉकलेट शेक बना है। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।